मैडम आज ड्राइवरी सीख रही है। हेलो गाइस, कैसा मैं फील हो रहा हूँ, मुझे पता सीख जाऊंगा आराम से। ये देखो कितना बड़ा है। देखो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह के नए ब्लॉग में। मैं हूं चंदन और आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर लिया हमने सुबह के 7 बजे से। तो हम जा रहे हैं आज हल्द्वानी फिर से हॉस्पिटल मैडम जी को। सुबह के 7 बजे हैं तो वहां जल्दी से जाना पड़ता है और नंबर लगाना पड़ता है। अभी ख्याल से अभी वहां पर नंबर लग चुके होंगे लेकिन हमने सिर्फ रिपोर्ट चेक करानी है। तो आज हमारा नंबर ज़्यादा नहीं, 9, 9:30, 10, 11 बजे तक लगभग जितनी भीड़ के हिसाब से आ जाएगा। तो चलो चलो फटाक से चलते हैं हॉस्पिटल। दूध लेके आराम से बैठे हैं और टीवी चालू है। ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके घर से गाड़ी लेके और मैडम हमारे साथ बैठी हैं। तो गाइस अभी मैं हल्द्वानी के अंदर हूँ और अभी मुहानी चौराहे से थोड़ा पीछे कालू साई मंदिर के पास हूँ और अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे हम लोग। तो नंबर लगाया है और जाते हैं अंदर। मनोज जोशी हॉस्पिटल की गली यहाँ से, ये रहा मनोज जोशी हॉस्पिटल। तो गाइस डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद हम चल रहे हैं घर को। आज जल्दी ही नंबर आ गया हमारा, बहुत भीड़ थी लेकिन जल्दी नंबर आ चुका है और आने के बाद अब दिखा दिया, दवा दे दी फिर से और चल दिए हम घर और फिर और काम करते हैं घर पे जाके। मैडम आज ड्राइवरी सीख रही है तो हम इनके कोच। चलो क्लच दबाओ पूरा, क्लच हाँ यही वाला, पूरा अंदर दबाओ उसको पूरा। रुक एक मिनट, एक अब डालो गियर डालो। चलो लो गाइस हम चलते हैं। चला, अबे बंद कर दिया यार, स्टार्ट हो गई दोबारे। बस छोड़, चलो छोड़ते रहो हल्के हल्के, रेस में पैर रखते रहो, रेस दे और ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के। तो ये ड्राइवरी हो रही है सीधे लीक पे जहाँ रोड है वहाँ ले जाओ। हाँ चलो सीख जाएगी, ध्यादा काट नहीं, ध्रुव मोड़। हेलो गाइस, कैसा मैं फील हो रहा हूँ, मुझे बता दूंगी। घुमा ले ऐसे, उधर घुमा, काटो और काटो, रेस दे हल्के रेस दे हल्के। चलो सीधा कर हैंडल, सीधा कर इधर को। अरे हाँ सीधे ले जा, जैसे जा रही वैसे जान दे। तो गाड़ी चल रही है और हम इनके कोच, हेड कोच, जाने दे। हैंडल ज़्यादा नहीं घुमाते, प्रेशर हैंडल है, ट्रैक्टर का हैंडल थोड़ी है जो घुमा दोगे। जहाँ लीक है वहाँ को हल्के हल्के काटते रहना और घुमाओ हैंडल। हाँ चलते रहो ऐसे, सीधे इधर को लो, रास्ते के हिसाब से चलो ना, जहाँ को उल्टा जा रही तो उधर को घुमा लो। हैंडल को कहीं भी काटने के बाद बीच में लाना पड़ता है, हल्के हल्के। कैसा फील हो रहा है? बहुत डर लग उधर, जैसे रोड जा रही वहां को, अब हल्के उधर को काटना शुरू करो और बी शेप में पकड़ते हैंडल को यहाँ और वहाँ, हल्के आराम से हल्के, रेस देना नहीं, हल्के दो, पैर और क्लच का ध्यान रखो। सीख जाऊंगी। अब सीधा करो, हाँ मोड़ो जैसे रोड। हम आए हल्द्वानी से घर और घर आके हमारा फिर से एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से। तो क्या मंगाया था हम आपको अभी दिखाते हैं, तो इसको ओपन करते हैं। ये हमारा डेकोरेशन, होम डेकोरेशन से मंगाया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा खाली हैं तो इसी के लिए मंगाया गया है। अब देखना ये है कि गाइस इसमें जो क्वालिटी है ना, वो जो मंगाया था जो फोटो में दिखा था वो आया ही नहीं आया, तो इसको भी रिटर्न करें। क्या ये सीनरिया? गणेश भगवान है तो कुछ हद तक ठीक है, बढ़िया है, क्वालिटी थोड़ा ठीक है और पीछे से इसका डबल टेप लगा हुआ है जिससे दीवार में आसानी से रुक जाएगा। ऐसे बनेगा ये इस तरीके से, तो अभी सूट लगा के दीवार पे
ही बनाते हैं। गाइस हम जा रहे थे किच्छा और हमें ना रास्ते में एक मगरमच्छ दिखाया, बहुत बड़ा विकट, धूप सेक रहा है, देखना। यहाँ पे दिख रहा आपको, ये सामने लेटा पड़ा है, धूप सेक रहा आराम से। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना बड़ा है, देखो गया नीचे का पूरा पेड़ हिल गया यार, ये खाता क्या होगा इतना बड़ा। तो दोस्तों ये काली नदी पड़ती है यहाँ पे, यहाँ पे मगरमच्छ दिखा था, अभी आपने देखा होगा कितना तगड़ा था, मतलब ये आराम से एक आदमी को भी निकल सकता है, इतना बड़ा है। बाजार से हम लेके आए अपनी गोट फार्मिंग के लिए ये दाना, ये है बकरियों का पशु आहार, ये सोयाबीन है 5 किलो, इसको भून के इनको खिलाया जाएगा, ये चोकड़। भाई दिन का 1:30 बज चुका है और अब हम कर रहे हैं लंच। लंच में भात दाल, ये नहीं बनाया है, नीचे की जो ड्राइंग कर रखी ना पेंसिल वाली है इसने बनाई है। हाँ, जितनी भी पेंसिल के आपको दीवालों में ड्राइंग दिख रही है ये सब इसने बनाई है, बाकी हमने अभी डिलीवरी किया था तो अभी हमने उसको दीवार पे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो ठीक लगा हमें थोड़ा सा। तो गाइस मैं और लक्षित जा रहे हैं कहाँ, नॉन बजैन के मंदिर, कालिका मंदिर कहाँ, नॉन बजैन के मंदिर में जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। आज नवरात्रि का लास्ट दिन है तो वहाँ 9 दिन की पूजा हुई थी लगातार 9 दिन तक, और आज वहाँ पे प्रसाद ग्रहण का है, और तो चलो प्रसाद ग्रहण करके आते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं नॉन बजैन के मंदिर में और 2 मेरे सब्सक्राइबर भी हैं यहाँ पे। भानु रख रहा है सबके सिर में सीख, अरे जल्दी जल्दी नौकरी लग जाना और शादी हो जाए सभी की, राजू की तरह चट मंगनी पट ब्याह हो जाए मुकुल का। मुकुल बड़ा मुस्कुरा रही है, ओए हाँ यार इंदर जैकेट पहनने का क्या राज है यार, अंदर से खोखले हो रहे हैं, कमाल आया है मुकुल यार। यहाँ बन रहा है प्रसाद राजू भाई द्वारा, चल खड़े वाले बैठ जाओ। दौलत सिंह का छोटा वाला लड़का हूँ। ये सब प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए सब। बना है प्रसाद जो अभी बटना है सबको, अभी बड़े बड़े परातों में डाला जा रहा है। क्या करते बारे में मनीष बच्चों के साथ बैठा है बीच में। प्रांशु को बुढ़वा दो यार, इसको नहीं मिला प्लेट साफ चाट दीजिए। तो गाइस आज का ये दिन बहुत ही खूबसूरत दिन रहा हमारे लिए, आज काफ़ी खूबसूरत भी था और ट्रबल भरा भी था और एंटरटेनमेंट भी था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिन था। कुल मिला के आज मिस्ट्री वाला दिन था, काफ़ी कुछ देखने को, काफ़ी कुछ घूमने को बहुत जगह, और आज माता रानी का विदाई का अंतिम दिन था, नवमी थी तो वहाँ भंडारा ग्रहण करने का भी मौका मिला आज, तो बहुत कुछ हो रहा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद ब्लॉग शूट होता है और आप तक पहुंचता है, बहुत मेहनत लगती है, तो एक शेयर तो आपका बनता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, गुड नाइट दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, अच्छा लगा ना?